इस वीडियो में हम आपके लिए ला रहे हैं नेटफ्लिक्स के अपकमिंग 10 ऐसे वेब सीरीज जो कि इंडिया पर बेस्ड हैं। इंडिया में फिल्म निर्माताओं ने एक लंबा सफर तय किया है, कॉमर्शियल सिनेमास, शॉर्ट मूवीज, वेब डॉक्यूमेंट्रीज बनाने से लेकर अब वेब सीरीज तक में अपना हाथ आजमा रहे हैं। और जब से इंडिया में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम ने एंट्री लिया है, तब से वेब सीरीज में लोगों की रुचि बढ़ी है। तो आइए हम जानते हैं नेटफ्लिक्स के इस लिस्ट के बारे में। इस लिस्ट के पहले नंबर पर है दिल्ली क्राइम। 7 पार्ट के इस वेब सीरीज को डायरेक्शन दिया है अवार्ड विनिंग इंडो कैनेडियन फिल्म मेकर रिची मेहता ने, जिसकी कहानी 2012 दिल्ली गैंगरेप पर बेस्ड है। इस सीरीज में दिल्ली पुलिस ऑफिसर वर्तिका चतुर्वेदी पर फोकस किया गया है, जो इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करती है, जिसका रोल शेफाली शाह ने किया है। लिस्ट में नंबर 2 पर है बार्ड ऑफ ब्लड। ये वेब सीरीज बिलाल सिद्दीकी के 2015 नॉवल पर बेस्ड है, जिसे शाहरुख खान, गौरी खान, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस वेब सीरीज के लीड रोल में है इमरान हाशमी, जिनका रोल इंटेलिजेंस एजेंट के रूप में है। इस वेब सीरीज को हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में रिलीज किया जाएगा। हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पर है बाहुबली बिफोर द बिगनिंग। ये वेब सीरीज ग्लोबल ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी बाहुबली द बिगनिंग, बाहुबली द कंक्लूजन की प्रीक्वल है। इस वेब सीरीज के मेन कास्ट में है मरुणल ठाकुर, राहुल बोस, अतुल कुलकर्णी, वकार शेख, जमील खान, सिद्धार्थ अरोरा और अनूप सोनी। ये वेब सीरीज 2017 में आए द राइज ऑफ शिवगामनी नॉवल पर बेस्ड है और जिसका डायरेक्शन देवा कट्टा और प्रवीण कर रहे हैं। लिस्ट में नंबर 4 पर है लीला, दीपा मेहता की ओरिजिनल वेब सीरीज जिसका नाम है लीला, जो कि बेस्ड है प्रयाग अकबर के 2017 डिस्टोपियन बुक पर। इस वेब सीरीज के लीड रोल में है हुमा कुरैशी, जो कि एक मदर का किरदार निभा रही हैं। इस वेब सीरीज की ज्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें। हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है सैक्रेड गेम सीजन 2। सैक्रेड गेम फर्स्ट सीजन के बाद नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिया है इसके सेकंड सीजन का। और इस वेब सीरीज के मेकर्स के अकॉर्डिंग सैफ अली खान, जो कि सरताज सिंह के कैरेक्टर में है, वो शहर को बचाने की कोशिश करेंगे। और वहीं इसका डायरेक्शन अनुराग कश्यप एक बार फिर से कर रहे हैं। 6वें नंबर पर है क्रोकोडाइल। बिंकी मेंडेस द्वारा लिखी ये वेब सीरीज थ्रिलर से भरपूर है, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है, जिसे मीरा, जो कि खुद अपने फ्रेंड की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करती है। लिस्ट में नंबर 7 पर है टाइपराइटर। फिल्म कहानी से अपनी पहचान बनाने वाले डायरेक्टर सुजॉय घोष वेब सीरीज टाइपराइटर ला रहे हैं, जो कि एक हॉन्टेड हाउस और एक हॉन्टेड बुक पर आधारित है। ये स्टोरी गोवा की है, जहां पर कई घोस्ट हंटर्स दुष्ट आत्माओं को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लिस्ट में नंबर 8 पर है मिडनाइट चिल्ड्रन। फिल्म मेकर विशाल भरद्वाज सलमान राशिद की क्लासिक नॉवल 1981 को वेब सीरीज के रूप में ला रहे हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन 15 अगस्त 1947 की आधी रात भारत की आजादी के समय की कहानी पर बेस्ड है। लिस्ट में 9वें नंबर पर है माइटी लिटिल भीम। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में अनाउंस किया कि माइटी लिटिल भीम पहला प्री स्कूल सीरीज होगा, जो कि पॉपुलर टीवी शो छोटा भीम फ्रेंचाइजी से है। और यह भी बताया कि यह एक नॉन वर्बल एडवेंचर कॉमेडी सीरीज होगा, जिसमें बहादुर इंटेलिजेंट हीरो भीम को दिखाया जाएगा। हमारे इस लिस्ट में लास्ट और 10वें नंबर पर है मुंबई इंडियंस। नेटफ्लिक्स आईपीएल की क्रिकेट टीम मुंबई इंडियंस पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बना रही है, जिसमें क्रिकेट फैंस को ऑफ पिच से रिलेटेड मोमेंट को कवर करते हुए दिखाया जाएगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह मूवीज से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।